जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी पहलवान अनिरुद्ध दहिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दहिया ने हरियाणा स्थित एक कॉलेज में बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए उसकी परीक्षा के लिए 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार इस केस में मुख्य आरोपी है। रोहिणी की जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कहा है कि अनिरुद्ध पर गंभीर आरोप है। इस मामले में आरोपियों पर एक बड़ा ग्रुप शामिल है और सभी के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी और पीड़ित दोनों ही एक ही बिरादरी और इलाके के हैं। दुश्मनी की वजह वर्तमान आरोपी के जीवन को भी खतरा है। दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने भी जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी को प्रवेश पत्र के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए था। उन्होंने कहा यदि आरोपी परीक्षा देना चाहता है तो ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है। 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ने आवेदन में तर्क रखा था कि वो हरियाणा के एक निजी कॉलेज से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रहा है। उसे अपने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होना है, जिसके लिए उसे 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जमानत की जरूरत है। यानी कि उसने तर्क रखा कि यदि उसे जमानत नहीं दी गई तो उसके भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। इस मामले में आरोप है कि सुशील कुमार पहलवान और अनिरुद्ध दहिया ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 के दरमियानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई की थी, जिसके बाद जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। इस आरोप पत्र में जिन आरोपियों को नामजद किया गया है उनमें से ज्यादातर आरोपी पुलिस हिरासत में है और कुछ अभी फरार चल रहे हैं, जिनको दिल्ली पुलिस पकड़ने की पूरी कोशिश भी कर रही है। लेकिन देखना अहम ये होगा कि जिस तरह से अनिरुद्ध दहिया, जो कि सागर धनखड़ मामले में आरोपी है, उसने अपने भविष्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी, तो क्या उसकी ये अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कुछ और हवाला वो दे सकता है? खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।